हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ दीपिका और मैं आपको लेके आई हूँ एरिजोना ट्रिप पे। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारा लास्ट व्लॉग तो देखा ही होगा, देखा है ना? अगर नहीं देखा है तो जाके देख ले। आज ही सुबह हम लोग एक्चुअली गए थे हॉर्सशू बेंड देखने और उसके बाद हम लोग आ गए हैं अभी फाइनली लोअर एंटीलोप कैनियन देखने। हमारा ऑलरेडी यहाँ का टूर बुक था जो कि 12:30 के अराउंड का था और हम लोग काफ़ी टाइट शेड्यूल थी हमारी, तो हम लोग जल्दी से अपना हॉर्सशू बेंड का टूर ख़त्म करके आ गए हैं लोअर एंटीलोप कैनियन देखने के लिए। डोंट मिस दिस वीडियो क्योंकि आपको जो आगे मतलब नज़ारे दिखने वाले हैं ना, वो मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही फाइनेस्ट जो है दुनिया के सबसे बेस्ट रॉक फॉर्मेशंस में से एक है। Where are we going? नहीं, हाँ, तो हम लोग हॉर्सशू बेंड से होके आ गए हैं जल्दी जल्दी क्योंकि हम लोग लेट निकले थे और अभी हम लोग जा रहे हैं एंटीलोप कैनियन, जो कि शायद अंदर जाके राइट, लेकिन इस वाले एरिया में आने के लिए आपको टूर बुक करना पड़ेगा राइट। यू कैन नॉट एंटर विदाउट बुकिंग। तो हमारा जो ग्रुप है वो काफी आगे चल रहा है लेकिन हम लोग किसी विभाग की स्पीड से चल सकते हैं, ओनली Stay on the track. Hello. Are you going to climb up a mountain? We are just going to walk. It's from inside. We went outside yesterday, and now we're going inside. Where? Inside the mountains. Rocks. Inside? Are we going inside the rocks? Yes. Going to the lower antelope canyon. Let's run. Yes, आपको ट्रेल में रहना है ना, हम लोग दिस इज कॉल्ड वॉकिंग ट्रेल। जो ये है जो यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन है वो बहुत जबरदस्त है। हाँ, लोग कहते हैं अभी हम लोग देख नहीं, मतलब हम वीडियोस में देखे हैं। नहीं मतलब अभी हम लोग जो ग्रैंड कैनियन हो के आए ऑलरेडी और जो हॉर्सशू हर जगह का डिफरेंट फॉर्म है बट स्टिल लाइक बहुत सुंदर है। नहीं बाहर का भी देखिए अगर आप ये व्यू और ये जो कलर है रॉक का कलर है या सैंड का कलर है, रॉकी डेजर्ट, रॉकी डेजर्ट रेगिस्तान में है भाई, अमेरिका के रेगिस्तान में। हम जाने वाले हैं जमीन के अंदर, लेकिन इसके बारे में इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। ये एक गाइडेड टूर होता है, नेटिव गाइडेड टूर होता है जिसको आपको बुक करके ही आना है। जैसे अगर हम पिछले ग्रैंड कैनियन हम गए थे, पिछले व्लॉग्स में आप जाके देख सकते हैं, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क हम गए थे, हॉर्सशू बेंड गए थे, वहाँ पर आपको टूर गाइड की ज़रूरत नहीं होती, आप जाके टिकट लेने के बाद आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको प्रॉपर टूरिस्ट गाइड लेना होगा, टूर बुक करके आप जा सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो $75 से इसके जो है प्राइस रेंज शुरू हो जाती है, जैसा आप पैकेज बुक करेंगे उस हिसाब से आपका अमाउंट फ्लक्चुएट करेगा। देखिए, हमने जैसे आपको बताया कि आपको अंदर जाना है ज़मीन के, तो ये एक बहुत ही स्टेप सा स्टेयर्स बना है, बहुत ही पतला संकरा, मतलब इनफैक्ट दो लोग भी एक साथ नहीं उतर सकते, एक एक करके उतरना है। अब हम लोग जाने वाले हैं इधर अंदर। Hello. Okay. Hi. चलो. Now we are going inside. Yeah. So. Let's walk on the stairs. Okay? बाद में मिलते हैं। और जो यहाँ पे जो गाइड्स होते हैं वो नेटिव होते हैं, नेटिव अमेरिकन्स की बात मैंने ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क वाले व्लॉग में ऑलरेडी की है, तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओवरऑल इस पूरे जो आपका टूर का टाइम है 1 से 1.5 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा टूर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल सी जगह को।
ये जो लोअर एंटीलोप कैनियन का टूर है ना, ये इसको आप फिजिकली मतलब चैलेंजिंग भी बोल सकते हैं। आप फ्लोर पे देख पा रहे होंगे जो ज़मीन है बिल्कुल भी बराबर नहीं होती है और बहुत ही ज़्यादा संभल संभल के चलना पड़ता है। तो कोई भी जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या जिनको चलने में तकलीफ होती है या इस तरीके से जिनका भी कोई हेल्थ इश्यूज है, वो इस ट्रिप पे नहीं आ सकते हैं बिल्कुल। बल्कि आप बच्चों को ला जरूर सकते हैं, पर आप स्ट्रोलर या इस तरीके की कोई भी एक्स्ट्रा लगेज कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मतलब चैलेंजिंग है। आप जैसे जैसे वीडियो में आगे देखेंगे आपको पता चलेगा कि मतलब वॉक करने में भी आपको काफ़ी ध्यान से वॉक करना पड़ता है। केयरफुली इसको करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अंदर भी मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ अंदर क्या हुआ। तो काफ़ी पतली नैरो मतलब जो इसका रास्ता है काफ़ी नैरो है, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नीचे उतरने के बाद तो मेरा जो रिएक्शन था ना, मेरे तो मुंह ही खुली रह गई कि वाओ कितना ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे कलर्स उनके फॉर्मेशंस रॉक के ऐसे हैं कि सनलाइट के हिसाब से जैसे जैसे जहाँ पे जैसे सनलाइट पड़ रही है तो उस वहाँ पे रॉक का कलर कुछ और है, दूसरी जगह पे रॉक का कलर कुछ और है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस थे ये। अकेले शामें गुजारता अक्सर मैं सोचूं यही है जिंदगी ये खफा क्यों किसे पता। इंजाम है जो खता का ये सब का मुकद्दर नहीं, मिलते हैं दो दिल जगा वो है कहाँ। हर पल ही मैं सोचा करूँ तेरे सिवा मैं किसका हूँ, तू ही बता क्यों है ये कैसे कह रहे हैं। तो इनको इनको संभालना भी है विवान को, आज तो खुद भी नहीं संभाल पा रहे अपने आप को। फोटो में सर का चोट दिखाओ, कहाँ लगा दिखाओ। देख रहा बहुत खुश हो रहा है वीडियो करके। ये जो पूरा आप अंदर देख पा रहे हैं ये जो पूरा रास्ता है ये लगभग 600 यार्ड जितना लंबा है और बहुत ही नैरो ग्राउंड है। बिलो द ग्राउंड ऑब्वियसली ज़मीन के अंदर है, जैसा कि आपने देखा हम सीढ़ियों से नीचे आए और बिल्कुल ही नैरो जो पाथवे बना है वो बिल्कुल ही नैरो पाथवे है। तो काफ़ी संभल के चलना पड़ता है, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया और आगे जाके मेरे सर में इतने ज़ोर से टक्कर लगी और वो लिटरली बहुत ही हार्ड था। वो जो मतलब जो रॉक्स थे ना बहुत ही मजबूत थे भाई, मेरे सर में इतने जोर से टक्कर लगा और मेरे सर पे निकल गया वो, एक वो निकल जाता ना हम लोग उसको बोलते हैं बचपन में बोलते थे लोला, ऐसे मतलब स्वेलिंग हो गई। तो जो हमारे गाइड थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हेल्पफुल थे, वो उनके पास आइस पैक था तो फिर उन्होंने मुझे आइस पैक दिया और मैंने उसको लगाया, तब जाके मुझे थोड़ा बेटर लगा। लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली वॉक करें, बच्चों को लेके जा रहे हैं तो उन पर बहुत ही नज़र रखें। मैं एक्चुअली मेरा विवान को ध्यान से मतलब लेके क्रॉस करने के चक्कर में मैंने खुद का ध्यान ही नहीं दिया, मेरी हाइट तो ज़्यादा है विवान से, तो ऑब्वियसली मैं नीचे से उठी तो मुझे टक से टक्कर लग गया। यहाँ अंदर आपको कुछ यूनिक रॉक फॉर्मेशंस देखने के लिए मिलेंगे जिनके नाम भी हैं, जैसे कि लॉयन, द ईगल, द वेव, द लेडी इन द विंड, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मतलब उसमें। इनफैक्ट गाइड इतने अच्छे होते हैं कि वैसे जो मतलब उनके हाइलाइट्स होते हैं जो भी पॉइंट्स होते हैं उस तरीके के, वहाँ पे वो आपके पिक्चर्स निकाल देंगे। इनफैक्ट उनको पता भी है कि किस तरीके से पिक्चर्स निकाले जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएंगे। तो हम लोगों के भी हमारे गाइड ने बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर दिए वहाँ पर। क्या है बता दे ना।
वाला कैनियन का शेप है ना वो वी शेप का है, तो वो नीचे से नैरो है और ऊपर से मतलब स्काई की तरफ से ओपन होता है, तो जो ऊपर से लाइट आती है ना वो नीचे बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी नैरो पाथ है जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख पा रहे होंगे हार्डली एक साथ एक जन ही चल सकता है, कुछ कुछ ही जगह ऐसी थी जहाँ पे एक साथ दो लोग इकट्ठे वॉक कर सकते हैं। अंदर ही हमें नहीं भी तो आई थिंक आराम से 60 मिनट एक डेढ़ घंटा अंदर अंदर ही मतलब लग गया, हम लोग रुक रुक के पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे और मतलब इंजॉय कर रहे थे, अच्छे से देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बीच बीच में भी आपको ऊपर चढ़ना हो रहा था, स्टेयर्स थे बीच बीच में, मतलब आपको कभी कुछ स्टेप्स ऊपर जाना हो रहा था फिर कुछ स्टेप्स नीचे आना हो रहा था, तो इस तरीके से करके हम लोगों ने बहुत ही मतलब सतर्कता के साथ, और कोई भी मतलब अगर आप आराम से जाएंगे वाइल ऊपर जाते नीचे टाइम पे आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, हैंड फ्री करके अच्छे से जाएंगे तो बहुत ही आराम से आप इस टूर को कंप्लीट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली जिनको वॉक करने में दिक्कत है या कुछ उनके लिए थोड़ा मुश्किल है ये मतलब लोअर एंटीलोप कैनन वाला टूर। Let's go. He's calling. तो ये हम लोग फाइनली आ गए थे बाहर, हमारा टूर अंदर का हो गया था कंप्लीट, अब हम चलेंगे बाहर। और मैं ये पूरा जो व्लॉग है ये मतलब एक दिन में मुझे लग रहा है मैं पूरा नहीं दिखा सकती आपको, मैं आज ही सुबह हॉट शू पहन गई थी जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला है, आप प्लीज देखिए उसको जाके। थैंक यू। नेक्स्ट हम इसके बाद अभी जाएंगे और भी जगह एक्सप्लोर करने, उसको मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में, तो प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिए। अगर मैं सारा एक दिन में ही एक व्लॉग एक वीडियो में ही अगर सबको डालूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मैं आपके साथ कुछ भी शेयर ना करूं, आई रियली वांट कि आपके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकूं। अब ये जब हम बाहर आए ना तो ये देखिए ये एक ऐसे शो परफॉर्मेंस जो भी कह लीजिए वो चल रहा था, यही है नेटिव अमेरिकन जो कि मतलब यहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे और अभी यही मतलब आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। ग्रैंड कैनियन वाले व्लॉग में मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, यहाँ इन्हीं का राज चलता है। ओके ये तो सही कौन
अरे एक वहाँ डालो ना जहाँ पे डस्टबिन बनी है, शायद खुश हो जाएगा भी। मैं इसीलिए तो खुद सोच रहा था कुछ दो 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 नहीं उसको और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे उनका जो विजिटर सेंटर था वहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने सुवीनियर खुद ही बना सकते थे। जैसे आप क्वार्टर वाले जो कॉइन्स होते हैं उसको डालते तो वो मशीन में से उस पर सुवीनियर बन के बाहर आ रहा था। तो ये किया हम लोगों ने, और इसके बाद हम जा रहे हैं कोई और जगह एक्सप्लोर करने, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया ना तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सो दैट जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमारे साथ ऐसे ही नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहें, हमें अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। Wow, show me, can you show me everyone?